सोलन के साथ लगती सेरी पंचायत के नडोग गांव की सुध कोई भी लेने को तैयार नहीं है। सड़क के नाम पर यहां 15 वर्ष पहले ईंटों की पगडंडी बनाई गई थी, जिसके बाद बीती 15 वर्षों में रिपेयर के नाम पर दोबारा एक ईंट तक नहीं लगाई गई। आज हालात ये हैं कि गांव में कोई पगडंडी भी थी ये कह पाना कठिन है। ग्रामवासियों ने इस बारे में कई बार पंचायत में शिकायत की, अपनी मांगे प्रधान के समक्ष भी रखी, लेकिन उन्होंने भी इस रोड की मुरम्मत करने की जहमत नहीं उठाई, जिसके चलते गांववासियों ने खुद ही इस पगडंडी को ठीक करने का बीड़ा उठाया। और फिर क्या था, गांव के बच्चे, बूढ़े और युवा सभी गांव की पगडंडी को चौड़ा और मुरम्मत करने में जुट गए और करीबन 6 घंटे में उन्होंने पगडंडी को ऐसा बना दिया कि उस पर सभी उम्र के लोग बिना ठोकर खाए इस पगडंडी पर चल सकते हैं। गांववासियों ने बताया कि उनके गांव की पगडंडी की हालत इतनी खस्ता थी कि उस पर चलना भी दुर्भर हो चुका था, जिस पर चलकर कई लोग चोटिल हो चुके थे। उन्होंने कहा कि आज से 15 वर्ष पहले जब इस पगडंडी का निर्माण हुआ था तो इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा थी, लेकिन रखरखाव की कमी से ये सड़क कब पगडंडी बन गई पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा कि जब इस बारे में पंचायत प्रधान को सूचित किया तो उन्होंने इस पगडंडी को मुरम्मत करवाने में रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि उनकी सड़क में लाइट की व्यवस्था तक नहीं है। आलम यह है कि उन्हें रात को मोबाइल की रोशनी में घर तक पहुंचना पड़ रहा है। हमने रास्ते की सफाई का अभियान चलाया है कि सफाई की जाए, थोड़ा रास्ते में रास्ता हमारा बहुत खराब है, ईंटों से 15 साल पहले बना होगा रास्ता, जिसकी ना कभी मुरम्मत हुई है ना कुछ नहीं। पंचायत में हमने काफी बार इसके लिए आवाज उठाई कि रास्ते की रिपेयर करवाओ या फिर टाइलें और जगह भी लगी हैं हमारे रास्ते को भी सही करवा दो, पर इसके लिए कोई प्रावधान, बोलते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है जी पंचायत के पास, या कुछ भी नहीं करवा के दिया ना, यहाँ लाइटें नहीं है, रास्ता नहीं बना हुआ है और कचरे से बुरी हालत थी रास्ते की। यहाँ इस रास्ते में बहुत ही बुरा हाल है, यहाँ पे तो चलना ही मुश्किल है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानियाँ होती हैं, बच्चे के साथ आना जाना होता है, इतनी बार यहाँ से चोटें लग चुकी हैं आते जाते रास्ते पर। अब हमारा सरकार से ये निवेदन है, यहाँ के पंचायत प्रधान से ये निवेदन है कि इस रास्ते को ठीक करवाएं। आने जाने में रात को मोबाइल के लाइट से चलना पड़ता है, कितना बच्चों को चलाए, खुद चले, सामान लेके निकले, क्या करें इस छोटे से रास्ते पर। इसमें बड़ी भारी दिक्कतें आती है, हमारे को चलने में बड़ी भारी प्रॉब्लम है, बुजुर्गों को चलने में दिक्कत होती है, इस वजह से कोई पंचायत के लिए हमने एक बार डलवाया था इसमें, तो पंचायत ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो हम लोगों ने सभी ने मिलकर इसका काम करने का सोचा कि हम लोग सभी मिलकर इसका काम करते हैं